So you since we have removed this part of the noun, so what you you have to do is slightly carry the ostomy, carry the ostomy slightly up so that the bones that the break, they should fall in completely without any additions or any Hello, sir. The height to which you can take the perimeter ostotomy is the megadeltis. Beyond that, you cannot. If you go up, then you may actually traumatize and cause a rupture deformity, which is very unstable and difficult to the patient. Okay, hello. Sir. Yes, sir. Sir, I have a question, sir. You have chosen low osteotomy plus a transfer. Yeah. So, sir, we have already done hump reduction. So will a low to high oblique osteotomy do? I'll just show you the osteotomy that we do will actually fall down and the hump will be. ये जो ENT के workshop है GMC रजौरी में organize कराई जा रही है department of ENT अपने medical college में यहाँ पे ये करा रहा है पहली बार ही ऐसी workshop यहाँ पे हो रही है इसका rhinoplasty workshop हम इसको कहते हैं rhinoplasty मतलब आप अपने नाक की shape को कैसे correct कर सकते हो इसके लिए इसमें ये सारा वर्कअप होता है नॉर्मली ये जो भी सर्जरी है ये बड़े हायर सेंटर्स में ही होती है लेकिन जब से जीएमसी बना है हमारे प्रिंसिपल सर हमारे सुप्रिंट सर वो हमेशा हमें सपोर्ट करते रहे हैं और इस तरह की वर्कशॉप पहले भी हुई है तो हमने ये इनिशिएटिव लिया कि ऐसी हायर एंड सर्जरीज जो कि पेशेंट को दूर दूर जाके करानी पड़ती है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करें तो उसके लिए हमारी टीचिंग होना बहुत जरूरी है तो ये टीचिंग का पार्ट है और इसमें हमारे जीएमसी जम्मू के हेड डॉक्टर प्रमोद एसकॉम्स के हेड डॉक्टर पदम सिंह हमारे एम्स जम्मू के हेड डॉक्टर एडी सिंह तीनों यहाँ मौजूद हैं जो हमें यहाँ गाइड कर रहे हैं और इनकी गाइडेंस की वजह से डेफिनेटली हम आगे भी और अच्छी सर्जरीज कर पाएंगे थैंक यू यहाँ आया हूँ डॉक्टर पदम सिंह मैं यहाँ आया था एक वर्कशॉप राइनोप्लास्टी पे है विच हैज बीन ऑर्गेनाइज बाय टीम ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी डॉक्टर विदुषी एंड हिज टीम ये वर्कशॉप नाक के प्रॉब्लम्स के ऊपर है नाक की शेप के ऊपर है ऑब्स्ट्रक्शन की जो नेजल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ऊपर है इसके इस वर्कशॉप से फायदा स्टूडेंट्स को भी होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं जो सीख जाएंगे कि इस सर्जरी को कैसे अंजाम देना है कैसे करना है किन पेशेंट में करना है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं थैंक यू क्या कहना चाहिए ये वर्कशॉप सर्टनली पेशेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि जो नाक की शक्ल है कई बार जन्म से खराब होती है कई बार एक्सीडेंट के बाद या किसी चोट लगने से नाक का शेप चेंज हो जाता है पेशेंट के लिए पूरी उम्र के लिए थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो जाता है कि भाई उसका नाक थोड़ा टेढ़ा है या बड़ा हुआ है या थोड़ा प्रोजेक्टेड ज़्यादा है तो उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी होती है साथ में नाक अंदर से भी बंद हो तो जैसे जिसको हम नाक की अंदर की हड्डी का पढ़ना बोलते हैं या डीएनएस अपनी लैंग्वेज में उसको भी साथ में क्रिएट किया जाता है तो एक टर्म बन जाती है सेप्टोराइनोप्लास्टी जिसमें कॉस्मेटिकली और एस्थेटिकली भी बोलते हैं और फंक्शनली दोनों कंपोनेंट देखे जाते हैं पहले पेशेंट बाहर जाते थे जम्मू में आते थे हमारे पास अब फैसिलिटी इनको रजौरी में मिलेगी बहुत ही अच्छी चीज़ है और मैं यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर पाटिया डॉक्टर यहाँ के मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर मैम डॉक्टर एचओडी डॉक्टर विदुषी को मुबारक देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया है कि यहाँ का पेशेंट बाहर नहीं जाएगा इवन उसको जम्मू में आने की जरूरत नहीं सब फैसिलिटी इधर मिल जाएगी और उसको बहुत ही अच्छा रहेगा उसको घर में ही फैसिलिटीज मिल रही है कि अच्छी सर्जरी जहाँ रजौरी में हो जाएगी थैंक यू सर देखिए ये एक डिपार्टमेंट ऑफ ENT हेड एंड नेक सर्जरी एसोसिएटेड हॉस्पिटल द्वारा एक CME यानी कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन या एक वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है जिसमें हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट जो है वो कश्मीर से भी और जम्मू से भी आए हैं हमारे स्पेशलाइज सर्जन्स इसमें स्पेशली जो नोज की जो कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस्ड सर्जरीज हैं उनके ऊपर जो है ये CME ऑर्गेनाइज हुई है इसमें हमारे स्टूडेंट्स भी भाग ले रहे हैं और कुछ डेलीगेट्स कश्मीर और जम्मू से भी आए हैं और यहाँ के पैरामेडिक्स और बाकी नर्सिंग स्टाफ जो है सभी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये सभी जो प्रोग्राम है ये हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर AS भाटिया की अध्यक्षता में हो रहा है तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि ऐसी जो कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन से वर्कशॉप्स होती हैं इनकी बड़ी आवश्यकता रहती है हमें कि इसमें जो लेटेस्ट एडवांसेस होती हैं मेडिकल जो है वो फील्ड के अंदर
तो उनको हम सामने लाने की कोशिश करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं हम, और नए नए जो प्रोसीजर्स सर्जरी को लेकर के हैं स्पेशली, हम उनके ऊपर जो है वो बल देते हैं ताकि हमारा जो एकेडमिक है वो स्ट्रांग हो और इससे हमारा पेशेंट केयर जो है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से अपने यहाँ की रजौरी की सोसाइटी को बताना चाहूँगा कि ये एक हमारा जो है वो अपकमिंग ये मेडिकल कॉलेज है, अभी नया है, ये चाइल्ड मेडिकल कॉलेज है, लेकिन इसके बाद भी हमने बहुत सारी जो है वो यहाँ पे लेटेस्ट एडवांसेस जो है वो लाने की कोशिश की है। इससे पहले भी ईएनटी डिपार्टमेंट के द्वारा 3 या 4 कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन सीएमई जो है वो ऑर्गेनाइज की, बाकी डिपार्टमेंट्स जो है वो सभी लोग इसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट्स जो है वो टाइम टू टाइम ऐसी वर्कशॉप्स जो है वो ऑर्गेनाइज करते रहते हैं जिसमें हम एक्सपर्ट को बाहर से भी बुलाते हैं। पिछले दिनों हमने मुंबई से हमारे एक एक्सपर्ट थे ईएनटी की हमारी वर्कशॉप थी, उसमें वहां से भी हमारे लोग जो है वो वर्चुअल मोड पे जुड़े यहाँ पे। आज भी वर्चुअल मोड में हमारे डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन है डॉक्टर यशपाल शर्मा, वो हमसे बात करेंगे। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर एएस भाटिया किसी मीटिंग के कारण कश्मीर में है, वो भी जो है वो यहाँ के जो ऑडियंस है उसको संबोधित करेंगे, ताकि जो बाहर से डेलीगेट्स आए हैं या हमारे जो एक्सपर्ट सर्जन्स आए हैं इन सब का जो है वो मनोबल भी बढ़े। और यहाँ के जो रजौरी पीर पंचाल खिता है, आप जैसे जानते हैं कि ये एक मेडिकल कॉलेज ऐसा है जो 3 डिस्ट्रिक्ट को ऑलमोस्ट कवर कर रहा है, रियासी, पुंछ और रजौरी, तो यहाँ के लोग जो है यहाँ काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारा जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का हो, कॉलेज का हो या डिपार्टमेंट्स, सभी जो है वो मिलके एकजुटता से जो है ऐसे कार्यक्रम का आयोजन टाइम टू टाइम करते रहते हैं, तो जिससे कि हम एडवांस चीज़ों को जो है सामने ला सकें, एक्सप्लोर कर सकें, जिससे हमारे जो बच्चों को भी लाभ हो और हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेज जो हैं वो भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। और इस खत्े के लोगों को जो है हम चाहते हैं कि हम अच्छी से अच्छी सेवाएँ जो हैं और लेटेस्ट सेवाएं जो है वो प्रदान करने में हम जो है वो सफल हों।